हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 के चैप्टर वन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के मोटर व्हीकल एक्ट के मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन वो सारे पीडीएफ इंग्लिश में है तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था। अभी दिल्ली ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये पीडीएफ हिंदी में अगर आता तो बहुत हेल्पफुल होता, तो इसी को ध्यान में रखकर हमने इसे पूरे हिंदी में इसको डिस्क्राइब किया है और क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करें ताकि मैं इसे कंप्लीट कर सकूं। 5 से 6 दिन के अंदर जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे कंप्लीट कर दूं ताकि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एडेप्टेड वाहन किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो एडेप्टेड वाहन के बारे में थोड़ा समझते हैं। एडेप्टेड वाहन जो होता है, इससे पहले एडेप्टेड वाहन को कहते थे हम लोग इनवैलिड कैरेज। ओके, इनवैलिड कैरेज बोलते थे, इनवैलिड वाहन बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम को चेंज कर दिया गया एडेप्टेड वाहन। ओके, तो एडेप्टेड वाहन जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है दिव्यांगों के लिए, मिलिट्री के लिए यूज नहीं होता है, छात्रों के लिए यूज नहीं होता है, महिलाओं के लिए। ये स्पेशल डिजाइन किए रहते हैं, जो भी जिस तरह के विकलांगता रहती है लोगों में उस तरह का उसमें डिजाइन करके वो वाहन का यूज किया जाता है, और उस तरह के जो वाहन होते हैं उनको कहा जाता है एडेप्टेड वाहन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकुलेटेड वाहन किसे कहते हैं? आर्टिकुलेटेड वाहन किसे कहते हैं, इसके लिए आपको आपको मैंने बताया होगा, मतलब थ्योरी तो हुआ नहीं है आप लोगों का, जो हिंदी में मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी बता चुका था कि जो आर्टिकुलेटेड वाहन होते हैं वो आर्टिकुलेटेड का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। ओके, तो इसमें ऑप्शन में आपको अर्ध ट्रेलर भी लिखा हुआ है, ट्रेलर भी लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर है इसमें अर्ध ट्रेलर जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं हम आर्टिकुलेटेड वाहन। ओके, इसमें जो मैकेनिकल के पावर से ये जो अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है वो मैकेनिकली मैकेनिकल पावर के सप्लाई से वो चलता नहीं है। मींस कि वो ऑलरेडी, जैसे आप ट्रैक्टर देखते होंगे उसके पीछे एक जो ट्रेलर लगा रहता है तो वो आर्टिकुलेटेड वाहन होगा। ओके, क्योंकि जो ट्रेलर पीछे में लगा रहता है उसमें कोई पावर, खुद का पावर नहीं होता है, वो उसके द्वारा जो आगे में इंजन होता है उसके द्वारा खींचा जाता है। तो इस तरह के जो वाहन होंगे वो अर्ध, जिसमें अर्ध ट्रेलर जुड़ा होगा उसको आर्टिकुलेटेड वाहन होंगे, और जो ट्रेलर होते हैं उसमें मैकेनिकली पावर, उसमें ऑलरेडी उसमें भी पावर होता है, वो अपने उसके में पावर के द्वारा वो खींचा नहीं जाता, उसमें भी पावर होता है, उसके द्वारा वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो अर्ध ट्रेलर होते हैं आर्टिकुलेटेड वाहन किसे कहते हैं, जिसमें अर्ध ट्रेलर जुड़ा हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ओमनी बस में ड्राइवर को छोड़कर कुल कितने यात्री के लिए जगह रहता है? ओके, तो ओमनी बस के बारे में पूछा जा रहा है कि ड्राइवर को छोड़कर कुल कितने यात्री के लिए जगह रहता है। तो यहाँ पे आपको ये जो जितने भी ओमनी बस है या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी तरह के जो वाहन होते हैं वो सब में कितने पैसेंजर्स की सीट होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और हो सके तो आप एक पेज में एक टेबल बना के आप लोग इसको लिख लो ताकि ये इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। कोई भी कैरेज दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने यात्री यात्रा करते हैं। ओके, मींस कितने यात्रियों के लिए जगह रहता है। तो ओमनी बस में जो ड्राइवर की जो संख्या, ड्राइवर को छोड़कर कुल कितने यात्री जो सफर करते हैं उसका जो आंसर है वो 6 से अधिक, मीन्स ओमनी बस में 6 से अधिक पैसेंजर्स के सीट अवेलेबल होते हैं ड्राइवर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोल्डन आवर का क्या मतलब है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गोल्डन आवर के बारे में, तो गोल्डन आवर होता है दुर्घटना के बाद का 1 घंटा। ओके, दुर्घटना के बाद जो दुर्घटना होने के बाद जो फर्स्ट जो वन आवर होता है वो होता है गोल्डन आवर, और इस गोल्डन आवर में उन पेशेंट को आप किसी भी हॉस्पिटल में, आप पब्लिक प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, और उसका बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, ये एक स्पेशल एक चैप्टर सी है। ओके, गुड समर्थियन करके एक चैप्टर है, चैप्टर तो वहाँ पढ़े थे हम लोगों ने ऑलरेडी, तो यहाँ आप लोगों को जो पढ़ना है तो ये सब चीज़ ध्यान में रखें। गोल्डन आवर का क्या मतलब है, दुर्घटने के बाद का 1 आवर इसको इसका मतलब होता है। ओके, 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 5, भारी माल वाहन का सकल वाहन वजन कितना होता है? तो भारी माल वाहन मतलब हैवी
हैवी गुड्स व्हीकल का टोटल जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है वो कितना होता है। तो जो टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट होता हैवी गुड्स व्हीकल का वो होता है 12,000 kg से अधिक। ओके, 12,000 kg से अधिक होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भारी माल वाहन हो या भारी पैसेंजर्स वाहन हो तो उनका भी 12,000 kg से अधिक होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सी कैब में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो मैक्सी, हमने इसे पहले बताया था ओमनी बस के बारे में, तो ओमनी बस में इसे क्वेश्चन नंबर जो आई थिंक 3 था, तो 3 में ओमनी बस में कितने यात्री करते हैं, 6 से अधिक। लेकिन यहाँ पे मैक्सी कैब के बारे में पूछा गया, तो मैक्सी कैब में टोटल जो लोग यात्रा करते हैं वो 6 से अधिक करते हैं लेकिन 12 से ज्यादा नहीं। ओके, 12 से ज्यादा नहीं, और ड्राइवर को छोड़ के ये सारी चीज बातें बोला जा रहा है, 6 से अधिक 12 से ज्यादा नहीं। मीन्स 6 भी पैसे, 6 से अधिक होगा, 6 से अधिक मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12। मीन्स अगर किसी में 7 सीट है, 8 सीट है, 9 सीट है, 10 सीट है, 11 सीट है या 12 सीट है, तो वो जो व्हीकल आएगा वो मैक्सी कैब के कैटेगरी में आएगा। ओके, तो 6 से अधिक 12 से ज्यादा नहीं। तो ये आपको मैंने समझा भी दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मोटर कैब में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो मोटर कैब में जो यात्री यात्रा करते हैं वो 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये वो जो व्हीकल्स होंगे वो होंगे आपके मोटर कैब। मान लेते हैं कि किसी में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये सब अगर व्हीकल इतने पैसेंजर्स के सीट है अवेलेबल वहां पे, तो वो मोटर कैब की कैटेगरी में आएंगे। अगर 7 हो गया तो वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका मैक्सी कैब में। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था मैक्सी कैब के बारे में, तो मैक्सी कैब में चले। तो ये चीज आपको डिफरेंशिएट करना है, और ये एक टेबल बना के आप लोग जरूर लिख लें ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। स्टेज कैरेज के बारे में क्या सही है। स्टेज कैरेज भी एक तरह का व्हीकल्स होता है, इसको मतलब कहा जाता है स्टेज कैरेज में। जो क्वेश्चन, इसमें आप बहुत सारा चीज देख सकते हैं, ड्राइवर को छोड़कर 6 से अधिक यात्रा कर सकते हैं और सभी अपना 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 अलग अलग भाड़ा देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है। तो इसमें क्या होता है, 6 से अधिक ड्राइवर को छोड़कर अगर जो भी होते हैं वो होते हैं स्टेज कैरेज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ड्राइवर को छोड़कर, छोड़कर ओके, ये नहीं, ड्राइवर को छोड़कर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ड्राइवर को छोड़कर 6 से अधिक यात्रा कर सकते हैं और सभी अपना 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 अलग अलग भाड़ा देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ड्राइवर को छोड़कर, यहाँ पे ड्राइवर को छोड़कर 12 है, 12 से अधिक नहीं, मतलब 6 से अधिक, अगर 6 है, 7 है, 8 है, तो ये सब, और ऑटो जो टेम्पू चलता है वो सभी स्टेज कैरेज में ही आएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोग उस पर आप बैठते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, सब अपना अपना अलग अलग भाड़ा देते हैं, तो इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं उसको स्टेज कैरेज में गिना जाता है। ओके, मीन्स कॉमन भी हो सकता है, कुछ स्टेज कैरेज ओमनी बस भी हो सकते हैं, कुछ मैक्सी कैब भी हो सकते हैं, मतलब उसी के सब कैटेगरी के स्टेज कैरेज जिसमें अलग अलग अपना भाड़ा देंगे वो स्टेज कैरेज में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ई कार्ट और ई रिक्शा में बैटरी का पावर कितना वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ई कार्ट और ई रिक्शा में जो बैटरी का पावर 4,000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 4,000 वाट, अगर यहाँ पे 4,000 वाट की जगह ऐसे भी लिख सकता है 4 किलो वाट, मीन्स 1,000 को ऐसे 4 किलो वाट भी लिख सकता है आंसर क्वेश्चन में, 4,000 वाट भी लिख सकता है, तो दोनों करेक्ट है क्योंकि आप कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा, तो ये दोनों है 4,000 वाट या 4 किलो वाट, तो इसका जो आंसर होगा 4,000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ई कार्ट और ई रिक्शा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का अर्थ है एक मोटर वाहन जो एक यात्री को ले जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे मीन्स कुछ घंटों के लिए या कुछ डिस्टेंस के लिए, मान लेते हैं कि यहाँ से हमें दिल्ली जाना है या यहाँ से हमें कोलकाता से दिल्ली जाना है, तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी गाड़ी के साथ कि हाँ हमें ले जाना है। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का अर्थ होता है कि समय के आधार पे, या तो एक दिन के लिए आप गाड़ी बुक कर लिए या एक डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक हमें जाना है,
तो इस तरह के जो मोटर वाहन वो किस तरह के यात्री को ले जाता है, तो समय के आधार पर भी ले जाता है या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भी ले जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे, कमेंट करें तब, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, डीलर किस कार्य को करता है? डीलर जो होता है वो चेसिस में लगाव, चेसिस का जो लगाव होता है उसमें निर्माण के लिए, वो सब का भी कार्य करता है, मोटर वाहन की मरम्मत भी करता है, मोटर वाहन का जो रेंट पे देता है, किराए पे देता है, पट्टे पे देता है, तो ये सब की व्यवसाय भी डीलर करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डीलर किस तरह का कार्य करता है? तो सभी तरह के कार्य करते हैं। आप इसे पढ़ लें, इसमें से किसी भी तरह के कोई ऑप्शन में दे दिया गया तो आप लोग उसको बना सकें। क्वेश्चन नंबर 12, कौन माल, मतलब कौन गुड्स, इसको माल को गुड्स कहते हैं इंग्लिश में, तो कौन गुड्स श्रेणी में आता है, कौन माल की श्रेणी में आता है? तो उपकरण आमतौर पर वाहन के साथ प्रयोग किया जाता है, जो भी उपकरण है, वाहन के साथ, जैसे यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, आगे में बहुत चीजें लगे रहते हैं, एक्स्ट्रा उपकरण लगे रहते हैं, तो उसको गुड्स में कहा जाता है। कि वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों का निजी जो सामान होता है उसको गुड्स बोला जाता है, या पशुधन को कहा जाता है, या सभी होते हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स का जो डेफिनेशन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, जो भी गुड्स का डेफिनेशन किया गया, कि जो भी वाहन में उपकरण लगाया जाता है वो गुड्स के श्रेणी में नहीं आता है। और जो वाहन में हम लोग जैसे यात्रा करते हैं, जो भी पर्सन यात्री वाहन में सफर करते हैं, उनका जो अपना निजी सामान जो होता है, निजी लगेज होता है, उसको भी गुड्स की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो पशु होते हैं, पशु को अगर कोई पशु अगर कैरी करके जा रहा है कोई गाड़ी, तो ये पशुधन जो होंगे वो आपके गुड्स में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पशुधन ओनली, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू किया गया? तो मोटर वाहन अधिनियम आपका जो लागू किया गया था 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया। तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 1 में उसको डिस्कस किया। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ऑलरेडी आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग कमेंट करें ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोगों को हेल्प हो रहा है। तो मैं इसे 5 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोटर व्हीकल एक्ट के कंप्लीट करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।